वेरी गुड इवनिंग क्लास सो टुडे इज द फर्स्ट सेशन जो कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का सेशन देखिए लॉ क्या है लॉ इज सिंपली अ कॉमन सेंस अ लॉजिक तो जो ये आपका आईबीपीएस एसओ SO का ये जो आप लोग का पेपर है लॉ का सबसे पहले एक चीज आपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपने जो ये मेंस का पेपर है क्योंकि आप सब जानते हैं कि एसओ लॉ ऑफिसर में प्रिलिम्स आपका बेसिक सब्जेक्ट आएगा जो कि आप ऑलरेडी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या आप लोग को कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग प्रिलिम्स को क्लियर कर लेंगे तभी जाके आप लोगों ने मेंस के लिए यहां पे तैयारी कर रहे हैं तो एसओ लॉ ऑफिसर में जो आपका मेंस का सब्जेक्ट है आज सबसे पहले हम लोग उसी को हाईलाइट करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक का नेम क्या है हाईलाइट ऑफ एसओ लॉ ऑफिसर क्या क्या सिलेबस है तो हम लोग का आज का सेशन का मेन फोकस रहेगा सिलेबस को पढ़ना और ये जानना हेलो अजय ये जानना कि जो लॉ ऑफिसर में जो लॉ के सब्जेक्ट है हमें किन पे फोकस करना है और आप लोग अपना ही लेवल चेक करिए कि मैं किस सब्जेक्ट में कितना सही हूं ठीक है गुड इवनिंग सो so,

सबसे पहले आप सब जानते हैं देखिए आज आपका फर्स्ट सेशन है जो भी एडवोकेट हैं जो लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वो सब सिंसियर है ये हम सब जानते हैं राइट अब इसी सिंसियरिटी के साथ क्लास वन से लेकर जब तक ये बैच शुरू नहीं हो जाता है आप लोग क्लास को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जो आप लोग का टाइम है इसमें मैं आप लोग का एक बेस बना रही हूं कि आप लोग को एसओ लॉ ऑफिसर में क्या क्या चीज प्रिपेयर करना ठीक है अजय क्योंकि हम सब जानते हैं टाइम बहुत कम है नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो देखिए ऑलरेडी गिवन है कि दिसंबर में आपका प्री का एग्जाम है जनवरी में आपका मेंस का एग्जाम है तो टाइम बहुत कम है सो तो अभी से कमर कस लीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए ठीक है देखिए सबसे पहले थोड़ा बहुत हम एग्जाम के बारे में जानते हैं कि एग्जाम क्या है क्या इसका पैटर्न है एटलीस्ट आपको कुछ और नोटिफिकेशन देखने का जरूरत नहीं होगा आपको यही बैंकर्स अड्डा में आप को हर चीज नोटिफाई किया जाएगा इंफॉर्म किया जाएगा ठीक है तो आप सब जानते हैं कि आपका ये पेपर बेसिकली प्री होने जा रहा है होगा, होगा। तो में एडमिशन लिया है मैं ये मान के चल रही हूं कि उनका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा राइट अजय ठीक है तो मैं मान के चलूंगी कि आप लोग डायरेक्ट अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं ठीक है देखिए नाउ सिंपली आप लोग को प्रलम्स में आप लोग को मेन फोकस किस पे करना है जैसे ये इंग्लिश है आपको बेस्ट टीचर यहाँ पढ़ाएगा रीजनिंग है बेस्ट फैकल्टी यहां पे है अब ये जो थर्ड पोर्शन है इस पे आप फोकस करिए गुड इवनिंग अमरेश देखिए जो आपका ये थर्ड टॉपिक है यहीं से आपका लॉ ऑफिसर का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होता है अब इसमें क्या है द जर्नल अवेयरनेस विद द स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग सेक्टर अच्छा एक बात बताइए जो जो भी अभी यहां लाइफ पे हैं लॉ ग्रेजुएशन में आप लोगों ने मन से पढ़ा है कि बस टाइम पास से पढ़ा है ये बताइए फटाफट ताकि मैं उस हिसाब से आप लोग को एनालिसिस कर सकूं कि हाँ ये बंदा क्लियर कर सकता है या अजय एंड अमरेश आप लोग बताइए लॉ में कितना परसेंटेज लेके आए हैं या की कोरस्पोंडेंस किया है आप लोगों ने लॉ को ओनली एडवोकेट्स आर here in इन live चैट देखिए मार्क्स के नाम पे कोई मार्क्स ही नहीं बोल रहा है कि हमने कैसा पढ़ाई किया अरे कोई नहीं मार्क्स से आप लोगों का एनालिसिस नहीं होगा जल्दी बताइए अ वेरी गुड इवनिंग हाँ जी ठीक है कोई मुझे अपना ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं बताना होता है सो सी मार्क्स डजेंट मैटर क्या मैटर करता है कि आपने लॉ को अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है क्योंकि जो आप लोग का लॉ ऑफिसर में सिलेबस है एक बात ध्यान रख लीजिए आप लोग का 80 परसेंट आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो आपको फोकस किस पे करना है 20 परसेंट लॉ पे आपको सिर्फ फोकस करना है दैट्स इट समझ में आ गया अब देखिए जो बैंक जो आपका ये जो थर्ड यूनिट है प्रिलिम्स का जर्नल अवेयरनेस रिलेटेड टू द दिर बैंकिंग इंडस्ट्री तो इसमें जितने भी लॉज हैं अभी मैं मेंस में डिस्कस करूंगी क्योंकि जो मेंस के लॉ के सब्जेक्ट है वही सारा चीज आपका इस थर्ड पॉइंट में कवर हो जाएगा ठीक है ना आप देख लीजिए ये सब मार्क्स आप लोग को मालूम होगा इस चीज को मैं हाईलाइट नहीं करूंगी लेकिन प्लीज जो भी यहां पे है उम्मीद है कि आप लोग का प्रिलिम्स क्लियर होगा हंड्रेड नाउ सी अब भाई प्रोफेशनल जो आपका कोर्स है 60 क्वेश्चन 60 मार्क एंड ओनली 45 मिनट तो देख लीजिए कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सोचने का मौका नहीं मिलेगा आप एक ऐसा इंडस्ट्री में जाने वाले हैं जिसका रेपुटेशन भी बहुत है पैसा भी बहुत है और आपका फेम भी बहुत है इसीलिए जो भी यहां पे एंट्री कर रहे हैं आप लोग सबसे पहले अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि हां वी आर द लॉ ऑफिसर्स गुड इवनिंग ओके समझ लीजिए कि यू आर द लॉ ऑफिसर्स डन तो भाई 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और 45 मिनट में तो सोच लो कितना आप लोग को प्रिपरेशन करना है और आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप लोग को लॉ सब्जेक्ट्स को पढ़ना है ठीक है ओके नाउ सी इंटरव्यू आप सबको मालूम है भाई मेंस के बाद क्या होता है इंटरव्यू हम लोगों को क्लियर करना है ठीक है प्री मेंस एंड योर इंटरव्यू और इंटरव्यू में देख लीजिए आप लोग का पूरा मिला के एटी टू ट्वेंटी रेशियो का आप लोग का ये पूरा सेशन मतलब ये आप लोग का टेस्ट होता है ठीक है नाउ ये देख लीजिए एग्जाम का डेट है बट देखिए एग्जाम का डेट अभी ना नवंबर चल रहा है राइट सॉरी uh, अक्टूबर चल रहा है एंड होने जा रहा है नवंबर दिसंबर मतलब नवंबर मान के चलिए एग्जैक्ट एक, एक महीना है और मेंस के लिए दो मंथ आप लोग का बाकी है ठीक है तो इस चीज को हम लोग अच्छे से देखेंगे सैलरी भाई सैलरी तो माला माल हो जाओगे अगर आपका ऑफिसर क्लियर हो जाएगा ठीक है बी फोकस्ड ऑन द स्टडी नाउ जॉब प्रोफाइल देख लीजिए आप लोग का काम क्या क्या है ये सब जस्ट ऐसे ही मैं आपको बता रही हूं ताकि आप लोग एक माइंड मेकअप कर लो कि भाई लॉ ऑफिसर्स बनने जा रहे हो आप लोग को क्या काम करना है इसमें एंट्री के बाद ठीक है आज का सेशन का मेन फोकस है हम लोग को सिलेबस पे देखना कि सिलेबस आप लोग का क्या है देखिए जॉब प्रोफाइल में बेसिकली आप लोग को क्या करना है बैंक फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय आर बी आई ये आपका काम होगा क्योंकि जो जो यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं लॉ ऑफिसर्स में मैं मान के चल रही हूं कि आप लोग लॉ ऑफिसर्स हैं तो देखिए आपका काम क्या है ये सारा काम आप जानते हैं तभी आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया है ठीक है नेक्स्ट क्या है लीगल ड्राफ्टिंग करना सिंपली गाइड दी बैंक टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड सिंपली टू ड्राफ्ट द लेजिस्लेशन दैट इज रिलेटेड टू द बैंक देखिये हम लोग के ग्रेजुएशन में बैंकिंग रिलेटेड लॉज को नहीं पढ़ाया गया ठीक है तो इस चीज को ये मत समझिए कि ये बहुत हार्ड है आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे ट्रस्ट में दैट इज वेरी सिंपल जिस तरह लॉ देखिये आई एम एन ऑल्सो एन एडवोकेट एंड आई एम दी गोल्ड मेडलिस्ट इन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं लॉ पढ़ती थी बहुत मजे से पढ़ती थी तभी इतने अच्छे मार्क्स आते थे तो यही ट्रिक मैं आपको के पास भी अप्लाई करूंगी कि आपको कैसे लॉ का तैयारी करना है एक बार ये ट्रिक समझ में आ गया सो लॉ इज नथिंग यू कैन डू इट डन नाउ एजुकेशन होप्स so. आप सब लोग ने आ, बार काउंसिल से अपना दिस वन ये इनरोल कर इनरोलमेंट करा लिया होगा राइट जितने भी यहां पर है सबका इनरोलमेंट हो गया होगा मैं उम्मीद करती हूँ एज लिमिट देखिए फटाफट शादी से पहले ट्वेंटी और थर्टी आपका मैक्सिमम है तो शादी से पहले लॉ ऑफिसर बन जाइए ना फिर तो लाइन ही लग जाएगी ओके ना सी दीज आर दी बैंक जो कि आपका जिसमें आप लोग का एंट्री होगा एज अ लॉ ऑफिसर तो आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं ठीक है ना अब हमें जो मेन आर का जो आज का टारगेट है सिलेबस पे फोकस करना सिलेबस क्या है क्या हमने पढ़ रखा है क्या हमें पढ़ना है आपसे हम स्टार्ट करते हैं ठीक है सो अमरेश अजय आप सब होप्स एडवोकेट होंगे राइट और रॉन्ग यू आर एडवोकेट और नॉट बिकॉज इस चैनल में लॉ ऑफिसर्स में वही लोग आए जिन्होंने एक्चुअल में लॉ डिग्री किया लॉ डिग्री लिया है ओके सो यू ऑल आर लॉ ऑफिसर्स और नॉट एक्सलेंट दैट्स गुड दैट्स गुड ओके वेरी गुड ना अगर हम सिलेबस की बात करें देखिए सबसे पहले प्रिलिम्स में मैंने आपको बोला था प्रिलिम्स में आपको क्या फोकस करना था जर्नल अवेयरनेस दैट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग रिलेटेड लॉ अब ये बैंकिंग रिलेटेड लॉ क्या होते हैं ये आपका है सारा सिलेबस बट घबराने की जरूरत नहीं है अमरेश देखिए सारा ये जो चीज है सब नया है बट एक बात ध्यान रखिए जितने भी आपको एक्ट यहां लॉ ऑफिसर्स में पढ़ने हैं अब ये एलएलबी का पढ़ाई नहीं करना है आपको सपोज मैंने अमरेश एक कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिया ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन होते हैं अमरेश टोटल सेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट टू वे क्लास चलेगा आप लोग को भी रिप्लाई करना है अमरेश हाउ मेनी सेक्शन आर देर इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनी वन हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द्रैक्ट एक्ट बताइए आप इतना ईजी क्वेश्चन को नहीं बता पा रहे येस अमरेश अजय जल्दी बताइए टेल मी टेल मी दी पर्टिकुलर आंसर गुड इवनिंग मैम कॉरेस्पॉन्डेंट से अलाउ है क्या ये एलएलबी एल आप कॉरेस्पॉन्डेंट से भी कर सकते हैं गौरव आप किस चीज का बोल रहे हैं किस चीज का बारे में बोल रहे हैं बताइए आईबीपीएस में एग्जामों के okay. गौरव बत्रा बताइए किस चीज का बोल रहे हैं आप सी प्रम्स में जो आपका सेशन ये आपका जो सब्जेक्ट है देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है देखिए इसको कैसे पढ़ना है सबसे पहले बैंकिंग में क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं सिंपली रिफॉर्म का मतलब जैसे 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 सुनारियों होता है हम लोग का जैसे सोसाइटी चेंज होती है तो हमें नए लॉ की जरूरत होती है तो इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में भी जैसे जैसे चेंजेस होंगे वैसे वैसे नए लॉ लाएंगे तो यही हम लोग को रिफॉर्म पढ़ना है किसका रिफॉर्म हो रहा है बैंक का रिफॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड बैंकिंग रिफॉर्म हेलो शिवम प्लीज लेट मत करिए इफ यू आर रियली डेडिकेटेड टू वर्ड योर स्टडी बी ऑन टाइम हमेशा अभी आपका पांच बजे से छह बजे तक ये जो आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का सेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग आवर बैच ओके नाउ, द सेकेंड वन इज इंटरनेशनल रिफॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर मतलब एक बात अपने माइंड पे रखिए जो भी वर्ड होगा वो सब के सब आप लोग का बैंकिंग से रिलेट होगा पंकज कुमार ये आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की क्लास है ठीक है लॉ ऑफिसर की क्लास है ये तो सेकंड चीज क्या है बैंकिंग सेक्टर में इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या रिफॉर्म हो रहा है नेक्स्ट आपका है इंडियन रिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग सेक्टर मतलब इंडिया में बैंकिंग सेक्टर पे क्या क्या रिफॉर्म हो रहा है हमें इस चीज को थर्ड पॉइंट में पढ़ना है देखिए सारे हेडिंग आपके बहुत इजी है आप प्रिलिम्स को इजिली क्लियर कर सकते हैं अगर आपने मेन्स का सारा सब्जेक्ट कवर कर लिया इट मीन्स आपका प्रिलिम्स भी पूरा कवर हो जाएगा ठीक है पंकज आप किस चीज का सिलेबस पूछ रहे हैं बताइए इज दी पी एस एसओ लॉ ऑफिसर क्लास आप किस चीज का सिलेबस पूछ रहे हैं यस अंकित एवरी फाइव पी एम आप लोग का ये क्लास चलेगा लॉ ऑफिसर का जिसमें आपको बेसिक चीज और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स पढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट आपका क्या है फाइनेंशियल टर्म्स को हमें डिस्कस करना है जो जो भी आपके वर्ड फाइनेंस से रिलेट होते हैं उसको हमें डिस्कस करना है देन बैंकिंग टर्म्स को डिस्कस करना है जैसे हम लोग जब एलएलबी कर रहे थे तो हम लोगों ने लीगल टर्म्स को सुना था लीगल टर्म्स को हमने याद किया पढ़ा था ठीक है बट इसमें क्या है आप लोग का इसमें सिंपली आप लोगों को अब बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना है पंकज कुमार ये आई बी पी एस एसओ लॉ ऑफिसर का है इसका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ओके नाउ नेक्स्ट वन इज द लेटेस्ट एक्ट दैट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर कौन कौन से न्यू एक्ट जो कि बैंकिंग सेक्टर में इंट्रोड्यूस हुए हैं इसको भी हमें पढ़ना है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैंक जिस तरह हम लोगों ने एल में टाइप्स ऑफ लॉ को पढ़ा था उसी तरह हमें क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है पेमेंट ऑप्शन भाई पहले क्या होता था पैसे दे दिया पेमेंट हम लोग का हो गया बट क्या आज के सिनारियों में आज के सिनेरियो में आपको लगता है कि पेमेंट बस कैश मनी से ही होता है आजकल तो भाई पेटीएम गूगल पे पता नहीं क्या क्या ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं संजीव एलिजिबिलिटी ऑफ लॉ ऑफिसर आपको मैंने बताया है लॉ ऑफिसर के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और सेकेंड चीज आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इनरोल होना चाहिए शिवानी मैम ऑफिसर के लिए कब होंगी क्लासेस शिवानी बेटा आप लोग का क्लासेस 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है स्पेशल बैच आप लोग का लॉ ऑफिसर का है बहुत ही कम सीट है ओनली डेडिकेटेड स्टूडेंट्स आर वेलकम इन माय बैच ओके ठीक है शिवानी संजीव आपको मालूम चल गया क्या एलिजिबिलिटी है भाई एलएलबी तो होना चाहिए एलएलबी के बाद एक आप लोग का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है वो क्लियर होना चाहिए ओके नाउ नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स जैसे हम लोग जब एलएलबी करते थे तो इंपॉर्टेंट लॉ सर्कुलर्स को पढ़ते थे सो so, इसी तरह हम लोग को क्या पढ़ना है आरबीआई के सर्कुलर्स को पढ़ना है व्हाट इज आरबीआई आरबीआई इज जस्ट लाइक अ फादर ऑफ बैंक जैसे आरबीआई हम लोग का एल एल बी में क्या पड़ा एल एल बी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एल एल बी में कॉन्स्टिट्यूशन इज द फादर ऑफ लॉ तो इसी तरह बैंक में आपका जो आर बी आई है दैट इज नोन एज दी दिस वन फादर ऑफ द बैंक जिस तरह फादर का काम क्या होता है बच्चों को प्रोटेक्ट करना इसी तरह जो आर बी आई बैंक है उसका मेन काम क्या है सारे बैंक को प्रोटेक्ट करना ठीक है यस भवानी क्लास आपका पांच पीएम डेली होगा ओके आई टी ऑफिसर्स का स्पेशल बैच है शिवानी आपका अड्डा साइट में जाइए आप लोग का लिखा होगा मैं आपको बताती हूँ शिवानी जस्ट अ मिनट इसको कंप्लीट कर ले फिर मैं आपको बता रही हूं कि एसओ आपका जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कौन कौन से बैच आप लोग के नवंबर में स्टार्ट होने जा रहे हैं ठीक है ना सी द नेक्स्ट वन इज आर बी आई मोनिट्री पॉलिसीज हमें पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है दैट इज इज रिलेटेड टू द द बैंकिंग वन वन नेक्स्ट जीके एंड जनरल अवेयरनेस ये जो आप लोग का जीके का या जनरल स्टडी का क्लास होगा इसमें आप लोग इस चीज को पूरा कवर कर सकते हैं ठीक है अब फटाफट बता दूं शिवानी ने पूछा है कि मैम ये बैच कब कब से स्टार्ट हो रहा है तो एक क्विक वे में हम लोग पढ़ेंगे सी <coughs> देखिए सबसे पहले शिवानी आप क्या करेंगे देख लीजिए जो भी यहां पे है सिंपली आप लोग को अड्डा का साइट खोलना है ऑल कोर्सेस पे क्लिक करना है देन आईबीपीएस एसओ का आप कोर्स करने जा रहे हैं इस पे आप लोग क्लिक करेंगे देन ये देखिए शिवानी एग्रीकल्चर फील्ड का स्टार्ट होने जा रहा है टेन नवंबर से लॉ ऑफिसर का आठ नवंबर से देन आईटी ऑफिसर का 12 नवंबर से और आपका मार्केटिंग ऑफिसर का 15 नवंबर से ही आप लोग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है अगर आप लोग ह्यूज डिस्काउंट चाहते हैं जैसे इसका रेट क्या है फिफ्टीन अगर आप लोग ह्यूज डिस्काउंट चाहते हैं तो पहले क्लिक करिए कि कौन से कोर्स में आप लोग को एडमिशन करना है उसके बाद सिंपली जो मैंने वहां कोड आपको किया था यहाँ आप व्यू ऑफर पे क्लिक करेंगे और ये जो इतना अमाउंट है अपना मेल आईडी आप क्लिक करिए मेल आईडी आप लोग का क्या है सपोज कोई सा भी मेल आईडी जो आप लोग का रजिस्टर्ड होगा ओके okay, अब कूपन कोड देखिए वाई नोट no डाउन कर लीजिए थ्री नाइन वन ये कूपन कोड है जैसे ही इसको आप अप्लाई करेंगे देखिए कितना डिस्काउंट देखिए कितना डिस्काउंट हो गया तो अगर आप फटाफट सीट चाहते हैं जो आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रहा है चाहे कोई सा भी फील्ड हो उसमें आप एडमिशन के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज Y391, थ्री नाइन वन ओके Y391, थ्री नाइन वन ठीक है शिवानी तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं अब हम लोग फोकस करते हैं अपने स्टडी पे अब जो मेन हम लोग का था ये हम लोग का प्रोलिम्स का था ये बहुत ही सिंपल है मेंस के साथ साथ आप लोग का ये प्रोलिम्स का तैयारी हो जाएगा अब देखिए जो आप लोग का मेंस का सिलेबस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माधवेंद्र मैम बैच इतना ध्यान ओके ट्वेंटी नाइन अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा था महेंद्र एक्चुअली दिवाली का दो तीन आपका चार पांच दिन का छुट्टी पर जा रहा है तो ब्रेक ना हो इसीलिए हम लोगों ने क्लास को आपका नवंबर से स्टार्ट किया है ठीक है अदरवाइज कोई ऐसा वो वे नहीं था ठीक है ओके सो शेल वी स्टार्ट विद द मेन्स की मेन्स का सिलेबस क्या क्या है अब आप लोग अपने आप एनालिसिस करिए कि क्या आपने एल में पढ़ा था और क्या आपको पढ़ना है देखिए कई लोग क्या करते हैं आजकल कर एल पते पहले क्या कहावत होता था महेंद्र की एल कुछ भी नहीं जिसको आता हो वो लॉ कर लेता था बट आज की डेट में इतने सारे स्कोप हो गया है लॉ का कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लॉ ले लिया है और मुझे लॉ का कुछ मालूम ही नहीं है अब ये चेंज हो गया है अब लॉ क्या है अब लॉ आपका एक प्रोफेशनल डिग्री हो गया है अब लॉ करना मतलब आपको लॉ जानना पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं अब मेंस की बात करूं तो देखिए एक एक टॉपिक आप लोग का यहां पे है प्री मेंस दोनों होगा शिवानी बेटा ये आपका स्पेशली कोर्स है अगर आपको फुल कोर्स चाहिए जिसमें प्री का भी तैयारी हो तो वो आपका उसी में दिया होगा आप उस पर क्लिक करके ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको कोर्स बताया शिवानी ये पर्टिकुलर सिर्फ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के फील्ड का है ठीक है प्री प्लस मेन उसमें आपका गिवन होगा जहां वो का दोनों का तैयारी होगा प्री और मेन का ठीक है ना अब देखिए अगर मैं मेन्स की बात करूं तो सबसे पहला आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तो आप लोगों के फर्स्ट या सेकेंड सेटेंट चाहे कोई सांपिटिशन एग्जाम हो इस हमें ऑफ इंडिया दैट इज सिंपली फादर ऑफ लॉ आई थिंक जो जो भी लॉ कर चुके हैं एल एल बी कर चुके हैं ये सारा सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है से येस और नो से येस और नो ये सारा सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है जल्दी बताइए राइट ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हिंदी में हम संविधान भी कहते हैं इसको फादर ऑफ लॉ कहा जाता है इसमें भले ही 395 आर्टिकल्स हैं इस बुक को 395 आर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बट आपको सारे आर्टिकल्स को नहीं पढ़ना है सबसे पहले अपने माइंड से ये हटा लीजिए कि आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है पूरा सेक्शंस पढ़ने हैं नो आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़ना है गुड इवनिंग संजीव ठीक है हर एक एक्ट का आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को पढ़ना है दैट्स इट संजीव यू आर द लॉ ग्रेजुएट यू हैव डन और नॉट नाउ The second one is Indian Contract Act. देखिए एक एक लॉ का मैं आपको मतलब बता रही हूं आपके रिविजन के लिए क्योंकि जब हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे तो हर एक एक्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है मैम बैच में महापैक एडेड रहेंगे आई विल सी महेंद्र ओके यस yes, महापैक भी महापैक का अलग से बैच है आप उसमें देख सकते हैं ठीक है महापैक वाले में जब भी आप कोई सा भी कोर्स खोलेंगे महेंद्र uh, मधुवेंद्र कोई भी कोर्स खोलेंगे तो आप लोग को उसमें डिटेल में गिवन रहेगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या एक्सक्लूडेड है ठीक है ओके ना कॉन्ट्रैक्ट का सिंपली मतलब क्या है कोई भी आप शॉप में जाते हैं सामान खरीदते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट आप लोग यहाँ कोर्स भी परचेज करेंगे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में जितने सेक्शन है वो आपको नहीं पढ़ना है आपको इसमें सिंपली जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे उस पर फोकस करना है ठीक है ओके द नेक्स्ट वन इज आईपीसी दैट इज इंडियन पीनल कोड ये एक्ट क्या बोलता है ये एक्ट सिंपली ऑफेंस का डेफिनेशन और उसका पनिशमेंट बोलता है दैट इज कॉल्ड आईपीसी बट आप लोग को सारे एक्ट में नहीं पढ़ने हैं सारे सेक्शन को नहीं पढ़ना है नेक्स्ट आपका क्या है सीआरपीसी वॉट इज सी आर पी सी दट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब देखो भाई बैंक में कोई हमें वो कोई क्राइम नहीं हो रहा है बैंक में बट इसमें जो कुछ प्रोसीजर हैं, जो कि बैंक में भी काम आएंगे उसको आप लोग को पढ़ना है ठीक है ओके आई विल बी लॉ ग्रेजुएट इन 2022 इन माय sanjeev in may or december so if you are just law graduate if you will be law graduate in uh, may session then you can give this exam okay no no you cannot give because you have not enrolled in the bar council of india okay so i think in this particular uh, the the coming exam you cannot give that exam okay CRPC कुछ कुछ प्रोसीजर को जो कि बैंकिंग रिलेटेड इशू में हमें फॉलो करना पड़ता है उसको हमें पढ़ना है सीआरपीसी में नेक्स्ट मतलब वन सबूत प्रूफ तो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बैंकिंग रिलेटेड एविडेंस होंगे उसको कैसे हमें कोर्ट में पेश किया जाए इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है दिसंबर टू थाउजेंड सो संजीव

नेक्स्ट हम लोग का सीपीसी है दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड इसमें से भी क्या है आपका कुछ प्रोसीजर का जो सेक्शन है वो हम लोगों को अपने बैंकिंग टर्म्स में यूज करना है ठीक है ओके या यू कैन टॉट एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये भी हम लोग एल लो देखिए सारे एक्ट हम लोग अपने एल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब ये टॉट क्या है कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होता है उसको टॉट बोला जाता है तो हमें उसमें तो हमें इसमें उस रॉन्गफुल एक्ट के बारे में पढ़ना है जिसमें बेसिकली आपका बैंकिंग रिलेटेड आप लोग का रॉन्गफुल एक्ट होगा ठीक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट जो कि कंज्यूमर को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है तो आप देखिए जो बैंक में हम लोग के कस्टमर्स जा रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट क्या रोल करेगा हमें इस चीज के बारे में पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है जूरिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूज इसमें भी हम लोग लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे बैंकिंग लॉज को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे हमें इसके बारे में पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपका बैंकिंग से रिलेट होगा ठीक है बिकॉज हम लोगों ने ग्रेजुएशन में बहुत सारे लीगल टर्म्स और मैगजीम्स को यूज किया है ये कहां पे यूज होता है जब एडवोकेट और जज बात करते हैं जिसको लीगल नॉलेज में है जिसको लीगल नॉलेज है वही पर्सन क्या कर सकता है लीगल वे में बात कर सकता है ठीक है नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स का क्या रोल होता है बैंकिंग सेक्टर में हमें ये चीज पढ़ना है ठीक है सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज निकाल लीजिएगा कि हमें सारे सेक्शंस को पढ़ना है हमें सब एक्ट का सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को पढ़ना है दैट्स इट ओके नाउ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हम लोग को ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके बैंकिंग से रिलेट हैं ठीक है ठेके? जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मान लीजिए मैंने बैंक से दस लाख रुपये लोन लिया ठीक है अब बैंक मुझे फ्री फंड में लोन नहीं देगा अब बैंक क्या करेगा बैंक मुझसे कुछ सिक्योरिटी मांगेगा तो सिक्योरिटी के रूप में मान लीजिए मैंने अपना घर का पेपर दे दिया तो घर का पेपर दिया मैं मतलब मैंने घर को अपना सिक्योरिटी के रूप में दे दिया दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दैट कम्स अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो इस तरह हम लोग वर्ड्स को बैंक से कनेक्ट करेंगे ठीक है गौरव बत्रा मैम मार्केटिंग ऑफिसर की क्लास कब से स्टार्ट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा गौरव कब से क्लास स्टार्ट होगी ठीक है बिकॉज सारे कोर्स आप लोग के स्टार्ट करने हैं सबका सेशन चलेगा जब तक कि आप लोग का लाइव क्लास शुरू नहीं हो जाता ठीक है ना द नेक्स्ट वन इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियेशन एक्ट ये क्या है इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट जिस तरह कोर्ट का, का काम क्या होता है जस्टिस देना होता है तो इसी तरह आर्बिट्रेशन और कंसिलियेशन क्या है आपका ये आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है जो कि हम लोग को जैसे कोर्ट में क्या होता है वी हैव टू फॉलो द टेक्निकलिटीज बट इसमें क्या है विदाउट टेक्निकल प्रोसीजर हमें जस्टिस मिल सकता है तो जो बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज होंगे वो मेनली हम लोग का कहा सॉल्व होते हैं आप लोग का अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम में सॉल्व होते हैं ठीक है Now, see the next one. Okay. नाउ द नेक्स्ट वन आप देखिए इसमें से जैसे हम लोग का जो ये फर्स्ट पोर्शन था ये आप लोगों ने सब डिस्कस कर रखा है अपने एल एल बी कोर्स में डन अब जो हम लोग का नेक्स्ट है दिस वन इसमें से जो मैंने बोल्ड किया है ये जो बोल्ड आप लोग का एक्ट है ये आप लोगों ने अपने एल एल बी में नहीं पढ़ा है ठीक है तो देखिए आप लोगों का इसका क्या मतलब है क्या इससे हम लोग बैंक के लॉस को सीख सकते हैं क्या इसमें लॉ अप्लाई होता है ठीक है तो सबसे पहला कंपनी <coughs> एक्ट ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है क्योंकि देखिए कंपनी एक्ट का बैंक में क्या रोल है सिंपल सा आंसर देखिए आईसीआईसी बैंक है आईसीआईसी बैंक का पूरा नाम क्या है आईसीआईसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो कंपनी देखिए बैंक के नाम के पीछे भी कंपनी हुआ तो जितना भी आप लोगों का बैंक कंपनी खुलता है वो सब, सब किसके अंदर खुलता है कंपनी एक्ट के अंतर्गत खुलता है सो दैट्स वाई आप लोग को ही क्या करना है हर एक एक्ट को बैंकिंग से रिलेट करना है तभी तो नाम क्या है आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर मतलब इसमें जो मेन चीज आएगा एक जो प्रोफेशनल टेस्ट होगा आपका वो लॉ का होगा तो लॉ में देखिए इसीलिए एल एल बी प्लस बैंकिंग रिलेटेड लॉस को आपको पढ़ना है ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देखिए आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है ना अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं क्योंकि ये आपका बैंकिंग से रिलेटेड लॉ है ठीक है तो इस लॉ में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है ऐसा पार्टनरशिप जो कि आप लोग का कंपनी की तरह होता है तो हमें इसमें ये चीज पढ़ना है ठीक है चाहे तो आप वन वर्ड लिख सकते हैं हर एक बैंक के आगे जैसे इसमें हमें कंपनी से रिलेटेड लॉस को पढ़ना है इसमें पार्टनरशिप एक्ट लाइक पार्टनरशिप एक्ट लाइक अ कंपनी ठीक है नेक्स्ट वन इज सेबी एक्ट ये भी आपका से रिलेटेड है आप लोग का बैंक से रिलेटेड है टैक्स लॉ सब टैक्स पे करते हैं, आपके अगर आप अभी कमाते हैं तो आप भी टैक्स पे करते हैं तो हमें को करना है. फेमा, कैसे को हमें एक्सचेंज करना होता है उससे रिलेटेड लॉस को हम लोग पढ़ेंगे एनआई दट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब चेक से रिलेटेड केसेस अभी सिर्फ निगोशिएबल का वन वर्ड याद रखिए कि हमें क्या पढ़ना है इसमें चेक से रिलेटेड मैटर्स को पढ़ना है नेक्स्ट आपका क्या है सरफेसी एक्ट सरफेसी एक्ट भी अभी इतना समझ लीजिए एक ऐसा अथॉरिटी है जो कि हेल्प करता है बैंक के लिए मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है लोन नहीं दिया आपने तो सरफेसी एक अथॉरिटी है जो कि आपसे लोन मतलब लोन आपसे निकलवाएगा आपको लोन के पैसे निकलवाएगा सो सरफेसी इज दैट अथॉरिटी नेक्स्ट वन लॉ ऑफ ट्रस्ट इसमें हमें क्या पढ़ना है लॉ दैट इज रिलेटेड टू द ट्रस्ट ओके नाउ दीज टू acts, ध्यान से सुनिएगा दीज टू एक्ट आर द banking <coughs> field. मतलब जितने भी आप लोगों के सारे जो बैंक को कंट्रोल करता है ये दोनों एक्ट हैं जिससे कि बैंक हम लोग का कंट्रोल होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हाउ टू रेगुलेट द बैंक एंड द लास्ट वन इज आरबीआई एक्ट दैट इज 1934 तो ये दोनों एक्ट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ जितने भी हम लोग अपने बैंकिंग टर्म्स फाइनेंशियल टर्म्स इन सब को पढ़ेंगे सब की सब आप लोग का इन दोनों एक्ट में कवर होगा ठीक है नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट वन ये आप लोग का टोटल कितना लॉ हो गया मतलब टोटल लॉ हो गया 28 28 आपके कितने हैं टोटल लॉस जो कि आप लोग के सिलेबस का पार्ट है जिसमें से 18 लॉज आप लोग पढ़ चुके हैं प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए और सिर्फ आप लोगों को कितने लॉज पढ़ने हैं 10 लॉज और पढ़ने हैं फॉर योर एग्जाम समझ में आ गया आप लोगों को तो देखिए कितना इजी आप लोग का लॉ ऑफिसर का सिलेबस है बिकॉज हम ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं बस हमें कुछ लॉस के बारे में पढ़ना है ठीक है इसमें क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है कपड़े देते हैं ना गंदे कपड़े साफ कपड़े को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग धोबी को देते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ड्रिंग इसी तरह वर्ड क्या है मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं दैट्स कम अंडर दी मनी लॉन्ड्रिंग ओके नीता बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट ये वर्ड किससे रिलेट है एविडेंस से तो मतलब बैंकिंग का एविडेंस में क्या रोल है हम इसमें पढ़ेंगे अपना ठीक है नेक्स्ट बैंकिंग ओमैन स्कीम व्हाट इज ओमैन ओमट का वन वर्ड याद रखिए ट इज वॉच डॉग इन्वेस्टिगेशन करना और बर्ट्समैन क्या होता है ऑफिशियल होता है एक ऑफिशियल पर्सन होता है जिसका मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना किसका गवर्नमेंट का दैट्स इट ओके द नेक्स्ट वन इज आई टी एक्ट जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये तीनों एक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं आरटीआई एंड द लास्ट वन इज लिमिटेशन एक्ट ये तीनों एक्ट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है देखो जितना भी मैंने हाईलाइट किया है बहुत ही कम किया है मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड है वो आपके ये टेन लॉज है जो कि बहुत ही ईजी है ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज डी आर टी एक्ट दैट इज द डेथ डेथ रिकवरी ट्राइब्यूनल एक्ट कैसे हमें पैसों को लेना है कैसे बैंक को उन पर्सन से पैसे लेना है जो कि लोन लेके भाग गए हैं so, इसके लिए क्या बनाया गया है, बनाया गया है रिकवरी so, आप जितने भी यहाँ लाइव सेशन में है क्या आप लोगों को लगा कि ऐसे लॉज हमें पढ़ने हैं जो कि बिल्कुल ही जो मैम ने बताया बिल्कुल हमारे सर से बाउंस हो गए हैं बताइए क्या कोई आप लोगों को डिफिकल्टी आई इन सब में सो <coughs> बेसिकली so, आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि आप लोग को लॉ ऑफिसर्स में सिंपली सिंपली यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द ट्वेंटी एट लॉ सब्जेक्ट इन विच एटीन यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑनली यू हैव टू फोकस ऑन द टेन लॉ सब्जेक्ट एनी डाउट एंड बी सेंसड इन द्लास एंड इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस कोड यू कैन यूज दिस कोड दैट इज वाई थ्री नाइन वन ओके आठ नवंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है डेली आप लोग का बैच चलेगा एंड बी फोकस्ड बिकॉज कभी भी नोटिफिकेशन ना सकता है बट ये मान के चलिए कि आप लोग का टेस्ट प्रिलिम्स का आप लोग का दिसंबर में होगा और मेन्स का तैयारी आप लोग का मेन्स का जो एग्जाम है वो जनवरी में होगा ओके बैच टाइमिंग विल डिसाइड हम लोग इसको दे हम लोग इसमें नोटिफाई कर देंगे वैसे बेसिकली आप लोग का बैच आप लोग का दोपहर या इवनिंग का टाइम हो सकता है ठीक है मधवेंद्र टाइमिंग इसका दोपहर या इवनिंग का हो सकता है ठीक है ये आप लोगों को बता दिया जाएगा नोटिफाई कर दिया जाएगा एनी मोर डाउट एनी मोर डाउट